Hello guys, today we will talk about story Millennium, written by J.G. Ballard. Millennium का मतलब है कि जी ऐसी जगह जिधर लोग बहुत ज्यादा हो मगर रहने की जगह कम हो, इसका मतलब Millennium का ये मतलब है। ये एक मिलियन की एक अगली फॉर्म है, मतलब बिलियन से Millennium ड्राइव हुआ है। The story Millennium is written by J.G. Ballard. It is about increasing population, the city center traffic jams, people are crazy about movies and football matches. There is always a crowd of people going to see football matches and movies in a stadium, the standing in lines for several hours for their turns. Overpopulation created risk and a risk of famine. फेमन कहते हैं जी के कैच साली का एक अंदेशा है कि हो सकती है। इवन पीपल हैव वेट फॉर देयर टर्न टू बाय फूड आइटम्स। द सिटी डिपार्टमेंट इज डिस्ट्रॉइंग हेरिटेज बिल्डिंग्स फॉर मेकिंग मोर स्पेस फॉर पीपल टू लिव। द ओवर पॉपुलेशन इज डिस्ट्रॉइंग द सिटी एंड इट्स ब्यूटी। इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड गुड प्लेस लिव इन अ सिटी। There are only substandard rooms are left for people which are not suitable for living, but landlord charged with same amount and never give relaxation in rent. The people of the city are very mean and don't care about misery of others. जैसे कि ये स्टोरी का मैंने आपको भी थीम बता दिया है कि ये स्टोरी का ओवरऑल थीम है, जिसको स्टोरी जिसपे मेन लिखी गई है। करैक्टर स्टोरी में एक जॉन है, जॉन वार्ड, जो स्टोरी का मेन करैक्टर है। दूसरा करैक्टर उसकी फ्रेंड है हेनरी रोजिटर, और दो उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं जूडिया एंड हेलेन वार्नी। जॉन वार्ड इज अ मिडल एज मैन, ही वर्क्स इन अ लाइब्रेरी। व्हेन ही सेटल इन सिटी ही यूज्ड टू लिव विद सेवन अदर पीपल इन अ स्मॉल रूम। He wake up at 6:30 and stands in a bathroom queue. After some time, he left the room and got new one which was somehow better than old one. John Ward जब नया नया शहर में आया तो वो एक उसको रूम मिला जो जिसमें सात पीपल रहते थे, और वो भी उनमें से एक था। 6:30 पे वो उठ जाता है और फिर उसको बाथरूम जाने के लिए एक लाइन में खड़ा होना पड़ता है, और कुछ अरसे बाद उसको एक सेपरेट रूम मिल गया जो कि उसके पहले रूम से बेहतर था। बहरहाल इतना अच्छा नहीं था मगर उसके पहले रूम से बहुत बेहतर था। जॉन फ्रेंड्स कम टू विजिट हिम, हेनरी रोजिटर इज वन ऑफ देम। ही अप्रिशिएट हिज न्यू रूम। जॉन लाइक्स फ्रीडम एंड प्राइवेसी। जॉन ऑल्सो लाइक्स ओल्ड बिल्डिंग विच हाउसिंग डिपार्टमेंट इज डिस्ट्रॉइंग फॉर मोर रूम्स फॉर पीपल। जॉन ऑलवेज ट्राई टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम क्राउड pedestrian jams. The crowd and the jams make him sick while everyone is okay with it and accepted as their part of life. John gets worried when Roger tells him that the city is packed with 30 million people. John is claustrophobic. Claustrophobic उस बंदे को कहते हैं जिसको rush में या जिसको बहुत तंग जगह में मतलब घबराहट होती है, उसको अच्छा फील नहीं होता, वो मतलब तंग होता है बहुत ज्यादा हजूम में, मतलब एक तरह से वो उससे एलर्जिक हो जाता है। ही वॉज ब्रॉट अप इन अ म्युनिसिपल स्कूल एंड फ्रॉम चाइल्डहुड ही विजिट्स हिज पेरेंट्स वेरी लिटल। जॉन वार्ड हैज चेंज्ड हिमसेल्फ विद सिटी डायनेमिक्स। एट द एंड ऑफ द स्टोरी जॉन वार्ड लेफ्ट हिज जॉब एंड बिकम लॉर्ड ऑफ द रूम एंड चार्ज एवरीवन रेंटल अमाउंट। He now spends his most of time in the room and thinks about the Victorian furniture and wardrobe. For a moment, Ward is in a regret, but he manages somehow. Character of Henry Royster. Henry Royster is very social person. He loves to visit John Ward. They are very good friends. Royster work for government department. He provide classified information to John. Which seems very interesting to John Ward. Royster helps John Ward with small problems which John Ward cannot understand. Royster also knows the work of carpenter.
रोस्टर ऑफर जूडी टू लिव विद इन देयर डबल क्यूबिकल एंड व्हेन जॉन वार्ड डू नॉट लाइक दिस सो रोस्टर टेल्स हिम दैट ही केयर्स अबाउट हर इफ दे विल नॉट हेल्प हर शी विल फॉल इन इन अ बैड कंपनी एंड डू इनऑपरेट थिंग्स फॉर लिविंग जॉन एग्रीज विद द रोस्टर जूडी takes his friend Helen Warren to live in John Ward room. After some time, Jody's aunt comes to live with them. Helen Warren's father came to live with them. Room is full of people and John Ward not like it but somehow manages it. Guys, now we are going to, I'm going to tell you summary. The story Billennium is written by J.G. Ballard. The story is set in a distant future as name Billennium suggests. Nearly 20 million people are squashed in a city, putting tremendous pressure on space. The city council has restricted the space that an individual can occupy to a mere 38 square feet. John Ward and Henry Roster are friends who share living space. They are both employed but find it hard to get by in the crowded city where pedestrian traffic jams can last for days with no one being able to move due to congestion. Congestion के भी कहते हैं जी बहुत तंग जगह हो जिधर आपका आपको हरकत करने में मतलब के तंगी हो. While looking about their cubicle, Ward discovers a forgotten room adjacent to their cubicle. They exult in this new space, thrilled as they have never known so much space. They buy a Victorian wardrobe, which is the only thing of beauty in their drab living area. Soon, Roster has the idea of inviting their girlfriend to share the extra room with them. The girls in turn ask their families to move in and take advantage of the space. Ward, who had hated the greedy lord, soon become a landlord himself. With making money taking precedence over enjoying their new room, in order to make more space, Ward and Roster break up the beautiful wardrobe. तो जैसे कि अब ये स्टोरी मैंने आपको बता दी है कि कोई इतना इसमें स्टोरी का कोई इतना डीप इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना कोई इसमें अंडरस्टैंडिंग का कोई डीप कॉन्सेप्ट नहीं है. बस ये ओवर पॉपुलेशन जो सिटीज की ओवर पॉपुलेशन हो रही है और जो सिटीज़ में आपके ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं और लाइफ बिल्कुल इंसानों के लाइफ बिल्कुल अजीब सी हो गई है. तो ये स्टोरी उसके बारे में है और जो लैंडलॉर्ड्स हैं सिटी के वो एंजॉय कर रहे हैं अच्छी लाइफ. ऑन अदर हैंड जो मिडिल क्लास लोग या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से. और जॉन इस स्टोरी का मेन बंदा है जिसको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो ज़्यादातर टाइम या तो अपने रूम में गुजारता है या ज़्यादा टाइम लाइब्रेरी में गुजारता है और किसी ना किसी तरह वो कोशिश करता है कि वो इस रश से भागम दौड़ से इस भीड़ से क्राउड से बच जाए. आखिरकार वो पहले रूम लेता है सिटी में जो कुछ अरसे बाद जिसमें 7 और लोग होते हैं जॉन को इंक्लूड करके. फिर उसको एक रूम अलग से सिंगल क्यूबिकल मिल जाता है. उसके बाद जॉन को एक तीसरा कमरा मिलता है जो डबल क्यूबिकल होता है जिसमें जॉन और रोस्टर रहने का फैसला करते हैं. और रोस्टर कहता है कि अगर हम पहले जॉन कहता है कि जी हम साथ नहीं रह सकते. फिर रोस्टर कहता है बेवकूफ़ ना बनो, अगर साथ रहेंगे तो रेंट डिवाइड हो जाएगा. तो जॉन इसी दौरान जॉन अपना हाथ जोर से दीवार में मारता है और उसमें एक शिगाफ पड़ जाता है. जब वो देखते हैं तो एक रूम उनको मिलता है, सीक्रेट रूम जो कि पहले से खाली होता है बहुत अरसे से और बहुत गंदा होता है, डस्ट होती है जगह जगह, मगर रूम बहुत खुला होता है. तो वो उस रूम को एक प्लाईवुड से उसको छुपा लेते हैं. फिर वो अपने फ्रेंड्स जूडी और हेलन को बुलाते हैं. हेलन लोगों को जब ये पता लगता है कि इनके पास एक सीक्रेट रूम है वो अपनी फैमिलीज़ को बुला लेती हैं. और जब वो अपनी फैमिलीज़ को बुला लेती हैं तो जॉन रोस्टर को बाद में अकेले में कहता है कि ये तुमने क्या किया. तो रोस्टर कुछ नहीं कहता उसको. बहरहाल इसी तरह जगह बनाते बनाते जोडी की आंट और हेलन के फादर आ जाते हैं. ये दो करेक्टर, इनके बारे में स्टोरी में ज़्यादा बताया नहीं गया मगर ये दो करेक्टर होते हैं जो आ जाते हैं. तो फिर
जॉन इसी दौरान जॉन बिल्कुल ही निकम्मा हो जाता है और वो उन लोगों पे हुक्म चलाता है और इन सब से करंट चार्ज करता है, क्योंकि ओनर वो होता है रूम का और बड़ा लकी पर्सन होता है इस लिहाज से। और इसी तरह फिर जॉन और रोस्टर और हेलन, जोडी, जोडी की आंट और हेलन के फादर, ये सारे एक रूम में रहते हैं और इनके लिए रूम बहुत खुला होता है, बड़ा होता है, मगर फिर भी करते करते जगह कम पड़ जाती है जॉन के लिहाज से, मगर वो किसी ना किसी तरह इन लोगों के साथ गुजारा करता है और इस बात को तस्लीम कर लेता है कि अब ये सारे साथ रहेंगे। और फिर वो अपनी जॉब छोड़ देता है आखिर में और इनसे रेंट चार्ज करता है, जो उसका थोड़ा बहुत खाने का खर्चा होता है वो निकल आता है और उसके पास कुछ पैसे भी बच जाते हैं और वही मेन लैंडलॉर्ड्स की तरह वो भी एक एंड पे दिखाया कि एक वो ग्रीडी और क्रूअल पर्सन बन जाता है।